नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ एकता। भारत की लगभग 75% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर होती है। समय के साथ साथ खेती किसानी के भी तरीकों में बदलाव आने लगे हैं। खेती को उन्नत बनाने के लिए नए नए आविष्कार भी किए जा रहे हैं। इसके चलते भारत के किसान अब तकनीक के मामले में यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी टक्कर दे रहे हैं। वहीं देश के अधिकतर किसान अब पारंपरिक विधि से खेती ना करके एरोपोनिक विधि से खेती कर रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं। किसान एरोपोनिक विधि से हवा में ही आलू की खेती कर रहे हैं, जिससे 10 गुना तक कमाई भी हो रही है। ऐसे में हम आज अपने इस स्पेशल वीडियो में जानते हैं कि आखिर एरोपोनिक फार्मिंग क्या है और इस तकनीक से कैसे आलू की खेती की जाती है। आपको बता दें कि देश में एरोपोनिक फार्मिंग किसानों के बीच काफी तेजी से फैल रही है। किसान इस विधि के साथ खेती करके पारंपरिक विधि के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आलू की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। इस एरोपोनिक फार्मिंग विधि से खेती करने पर किसानों की कमाई भी 10 गुना से अधिक होती है। इस तकनीक की मदद से किसान अपने घर के छत पर ही आलू की खेती कर सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने के लिए नर्सरी में आलू के पौधों को तैयार किया जाता है और इन पौधों की रोपाई एरोपोनिक यूनिट से की जाती है। एरोपोनिक तकनीक एक ऐसी विधि है जिसके लिए किसान को मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं होती है। किसान आलू की लटकती जड़ों से उन्हें पोषण देते हैं। घर की छत पर ही एरोपोनिक विधि से खेती कर सकते हैं। इस तकनीक से लटकती जड़ों पर पोषक तत्वों को स्प्रे किया जाता है और पौधे का ऊपरी भाग खुली हवा और रोशनी रहता है। एरोपोनिक विधि से आलू की खेती करने पर पहली फसल को उगने में 70 से 80 दिनों का समय लगता है। खेती के लिए इस विधि के साथ खेती करना बेहद लाभदायक हो सकता है, क्योंकि किसान इससे कम लागत और कम जगह में खेती करके आलू की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। फसल की अधिक पैदावार होने से किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होती है। किसानों के लिए शुरुआत में एरोपोनिक फार्मिंग सिस्टम लगवाना महंगा लग सकता है, लेकिन इसके एक बार लगने के बाद मोटी कमाई काफी आसानी से की जा सकती है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र के मुताबिक एरोपोनिक विधि से आलू की खेती करने पर किसानों को काफी अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके अलावा आलू के पौधे का विकास भी तेजी से होता है और इसके लिए पानी की भी कम आवश्यकता होती है। इसी के साथ आपको बता दें कि एरोपोनिक फार्मिंग विधि से खेती आधुनिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से की जा सकती है। इस तकनीक से खेती करने के लिए किसानों को पहले आलू के उन्नत किस्म का चयन करना होगा और इसके पौधों को नर्सरी में तैयार किया जाता है। इसके बाद आपको इस पौधों को गार्डनिंग यूनिट में ले जाना होता है। अब तैयार आलू के पौधों की जड़ को बावस्टिन में डुबोया जाता है, जिससे फंगस लगने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके बाद किसानों को एक ऊंचा बेड बनाकर लगाना होता है, जिसके बाद पौधे की रोपाई की जाती है। जब आलू के पौधे को 10 से 15 दिन हो जाते हैं तो एरोपोनिक यूनिट में आलू के पौधे की रोपाई की जाती है। इस विधि से आलू की फसल में कम समय में ज्यादा उत्पादन मिल सकता है। तो ये थी एरोपोनिक फार्मिंग से जुड़ी सभी जानकारी। लेकिन अभी भी आपके मन में इस फार्मिंग से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।